अरे भाई घनश्याम, कहाँ जा रहे हो? भैया, आज नई गाय लेकर आए हैं, सोच रहे हैं अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा है। हम किसानों के लिए पशुपालन भी तो आमदनी का बड़ा जरिया है। देखो बंदे, घनश्याम चाचा नई गाय लाए हैं। हाँ नन्ही, चलो चलकर देखते हैं। नमस्ते नमस्ते घनश्याम घनश्याम चाचा। चाचा। अरे नन्ही बंदे, कैसे हो तुम दोनों? हम हम ठीक ठीक है है चाचा, चाचा, आप आप कैसे कैसे हो? हो? मैं भी ठीक हूँ। चाचा आप नई गाय लेकर आए हो? हाँ देखो, अब ये तुम लोगों के साथ खेलेगी और मेरे कारोबार में भी मदद करेगी। कारोबार में मदद कैसे करेगी घनश्याम चाचा? अरे पशुपालन से ही तो हमारी आमदनी बनती है। चाचा पशुपालन से आमदनी कैसे होती है? अरे नन्ही बंदे, पशुपालन से ही तो हमारा रोजगार चलता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी पशुपालन एक जरूरी हिस्सा है। पशुपालन के बिना देश की अर्थव्यवस्था अधूरी है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने में पशुपालन का विशेष योगदान है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से देश में पशुपालन के विकास में लगातार वृद्धि हो रही है। चाचा, क्या सच में पशुपालन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इतना सहयोग करती है? दूध और दूध से बने पदार्थ के साथ साथ कृषि से जुड़े कई कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से पशुपालन किया जाता है। चाचा अगर पशुपालन इतना उपयोगी है तो हमें भी इसके बारे में सब कुछ बताओ ना। हाँ घनश्याम चाचा, हमें भी सब कुछ बताओ ना। हाँ हाँ बताता हूँ। भारत में किसानों के लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। बात अगर छोटे तथा सीमांत किसानों की करें तो उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत ही पशुपालन है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारे देश में पशुपालन मात्र आय का साधन नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा भी है। बदलते हुए समय के साथ कृषि का तेजी से मशीनीकरण हुआ है, लेकिन बावजूद इसके पशुपालन का बाजार फल फूल रहा है। पशुपालन कितना महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आज के समय में भी भारत में लगभग 2 करोड़ लोगों की आजीविका का साधन मवेशियों या पशुपालन पर निर्भर है। पशुपालन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% तथा कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 26% का योगदान देता है। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो इस क्षेत्र में पशुपालन का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना पुराना इस क्षेत्र में मानव सभ्यता का इतिहास है। इस इलाके में घोड़े, खच्चर, याक और अन्य जानवर सदियों से आम लोगों के साथ ही रहे हैं। इस क्षेत्र में ये जानवर परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन तो है ही, साथ ही साथ ये कपड़े, भोजन व अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों के स्रोत भी हैं। पशुधन आज भी प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत है और चमड़े, ऊन, खाद आदि जैसे कई उत्पाद प्रदान करता है। पशुपालन किसानों की आय का स्रोत तो है ही, साथ ही साथ पोषण संबंधी जरूरतों को भी पूरा करता है। पिछले कुछ समय में जम्मू और कश्मीर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इसी आर्थिक प्रचलन को देखते हुए भारत सरकार ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्षेत्र में पशुधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं चला रही हैं, जिनके जरिए क्षेत्र का हर गांव सशक्त हो रहा है। हालांकि इतनी असीम संभावनाओं के बावजूद विभिन्न कारणों से पशुपालन क्षेत्र अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। छोटे पशु समूहों तथा छोटी कृषि जोतों का होना, पशुओं के प्रजनन के लिए समयबद्ध निविष्टियों की अनुपलब्धता,
पशुओं की निम्न उत्पादकता, समयबद्ध तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध न होना, समुचित ग्रामीण आधारभूत संरचना का अभाव तथा उत्पादों के उचित विपणन समर्थन का अभाव, कृषि में बढ़ते मशीनीकरण के कारण नर पशुओं की उपयोगिता में कमी आई है, हरे तथा सूखे चारे की उचित तथा समयबद्ध उपलब्धता की अनिश्चितता, पशुओं के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को मौजूद न होना, नई तथा धारणीय तकनीक के विकास के लिए कौशल विकास का अभाव। उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए फैसले। सहकारी संघों की संख्या को बढ़ाई जानी चाहिए तथा प्रबंधन को सशक्त करना चाहिए ताकि वित्तीय सहायता एवं विपणन समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। पशुओं के लिए प्रभावी स्वास्थ्य की व्यवस्था की जानी चाहिए। उत्पादकता बढ़ाने के लिए पशुओं की नस्लों में सुधार हेतु शोध को बढ़ावा देना चाहिए। पशुपालन आधारित उद्योगों को आर्थिक मदद देना चाहिए। पशुपालन के लिए आधारभूत संरचना में सुधार तथा बैक एंड सपोर्ट सिस्टम विकसित किए जाने की आवश्यकता है। पशुओं का चयन करते समय क्षेत्रीय सुयोग्यता का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रबंधन जिसमें प्रमुख पशु रोगों के नियंत्रण तथा उन्मूलन को भी शामिल किया जाए। चारा उत्पादन तथा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियां जैसे कि चारा बैंक की स्थापना इत्यादि को बल देना चाहिए। पहले तो इंसान जंगलों में फल फूलों के साथ साथ पशुओं का शिकार करके अपने भूख को मिटाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ मानव अपनी आवश्यकता के मुताबिक पशुओं को पालने पोसने लगे। आज आधुनिक समय में पशुपालन एक उज्जवल व्यवसाय के रूप में तेजी से उभर रहा है। चाचा, जानवर तो हम इंसानों के बहुत काम आते हैं। हाँ हाँ चाचा, जानवर ना सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था कराते हैं बल्कि और भी कई कामों में सहयोग करते हैं। चाचा, लेकिन पशुपालन से इतना फायदा है तो सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए कुछ करती क्यों नहीं है? अरे सरकार पशुपालन को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करती है वंदे। फसल अवशेषों की बिक्री का विनियमन, चारा बैंकों की शुरुआत, चारे की व्यवस्था, चारा फसलों के बारे में जागरूकता फैलाने जैसी कई योजनाओं की शुरुआत आदि सरकार कर रही है, जिससे न सिर्फ किसानों को पशुपालन के कारोबार में सहायता मिल रहा है बल्कि काफी लाभ भी हो रहा है। तो चाचा, किसानों तक सरकार की योजनाओं से जुड़ी इन सुविधाओं के बारे में जानकारी किस तरह मिल पाती है? ग्राम पंचायत द्वारा, नन्ही ग्राम पंचायत द्वारा। ग्राम पंचायत किसी भी ग्राम पंचायत में पशुपालन आजीविकाओं पर पहल करने की सफलता इस पर निर्भर करती है कि ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा विभाग के साथ किस तरह का समन्वय कर रहा है। हर ग्राम पंचायत पशुपालन विभाग की सेवाओं का उपयोग योजनाओं तक पहुंच, जागरूकता उत्पन्न करने से लेकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इत्यादि तक हर परिवार की पहुँच सुनिश्चित कर सकती है। इसका मतलब पशुपालन में ग्राम पंचायत भी काफी अहम भूमिका निभाती है। हाँ, आओ तुम्हें बताता हूँ कि पशुपालन में ग्राम पंचायत क्या काम करती है। ग्राम पंचायत की भूमिका। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत पशुपालन समिति के सहयोग से कई तरह की गतिविधियाँ कर सकती है। आम चरागाह भूमि को फिर से जीवंत करने के उपाय, जिसमें विकास, प्रबंधन और विनियामक आदि शामिल हैं। फसल अवशेषों की बिक्री को विनियमित करना, चारा बैंकों की शुरुआत करना, बाहरी एजेंसियों के साथ समझौते करना, सूखे के दौरान चारे की व्यवस्था करने की योजना बनाना, निजी राजस्व और वन भूमि में चारा प्रजाति के वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देना,
चारा फसलों के बारे में जागरूकता फैलाना, समय पर टीकाकरण और डीवॉर्मिंग करना, पशुओं के स्वास्थ्य की पर्याप्त देखभाल सुनिश्चित करना। राज्य प्रजनन नीति के अनुसार नस्ल सुधार को बढ़ावा देना। पशुजन्य रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना। खाद के उपायों को बढ़ावा देना। सार्वजनिक स्थानों में उचित स्वच्छता सुनिश्चित करना। पशुओं के प्रजनन और बांझपन के कारणों के बारे में जागरूकता फैलाना। दुग्ध सहकारी समितियों की सहायता करना। घरेलू पोषण, चारे की फोर्टिफिकेशन विधि और अन्य उपायों को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और सुअर पालन को बढ़ावा देना। पशुधन बीमा शुरू करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। पशुपालन के लिए बैंक संपर्क को बढ़ावा देना। पशु बाजारों और मेलों की सुविधा। पशुधन सुधार योजना में कई लक्ष्य सम्मिलित किए जा सकते हैं, जैसे गाय भैंसों की नस्ल में सुधार, बकरियों की नस्ल में सुधार, सभी पशुओं को बीमा कवर के अंतर्गत लाना, सभी पशुओं का 100% टीकाकरण, डीवर्मिंग और पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल, प्रत्येक घर में पर्याप्त कंपोस्टिंग सुनिश्चित करना कि पोषण और खनिज पदार्थ की कमी के कारण कोई नुकसान ना हो, डेयरी सहकारिता का सुदृढ़ीकरण और मिलावट के प्रति शून्य सहनशीलता। डेयरी सहकारी संघ के माध्यम से स्वच्छ दूध सुनिश्चित करना। विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण। पैरा श्रमिकों के रूप में पशुपालन पर मानव संसाधन का क्षमता निर्माण। संवेदीकरण और जागरूकता। पशुओं के प्रबंधन में वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में जागरूकता और जानकारी को पैदा करने में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष रूप से टीकाकरण और पर्याप्त पशु स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित कराने में पंचायतें अपना प्रमुख योगदान देती हैं। पंचायतें मवेशियों में होने वाली बीमारियों और टीकाकरण कार्यक्रम की उपलब्धता इत्यादि के बारे में चार्ट तैयार कर सकती हैं। इस चार्ट को ग्राम पंचायत परिसर में लगाया जा सकता है। इस चार्ट को तैयार करने में स्थानीय पशुपालन अधिकारियों की मदद ली जा सकती है। पंचायत इस काम को करने के लिए स्वयं सहायता समूहों, समुदाय आधारित संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता ले सकती है। पशुपालन विभाग के साथ समन्वय में कार्य करना। किसी भी ग्राम पंचायत में पशुपालन आजीविकाओं पर पहल की सफलता इस बात पर आधारित है कि ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा विभाग के साथ कितनी अच्छी तरह समन्वय करता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पशुपालन विभाग की सेवाओं का उपयोग योजनाओं तक पहुंच, जागरूकता उत्पन्न करने से लेकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इत्यादि तक प्रत्येक परिवार की पहुंच सुनिश्चित कर सकती है। विभिन्न विभागों एवं संगठनों के साथ अभिसरण।
ऊपर चर्चा की गई गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायत को डेयरी सहकारी समितियों, कृषि विभाग और ब्लॉक एवं जिला पंचायतों सहित विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत होगी। ग्राम पंचायत को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा के लिए सेवा प्रदाताओं से संपर्क स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी। नाडेब गड्ढे, कीड़ा खाद गड्ढे और बाड़ों के निर्माण की गतिविधियों को मनरेगा के अंतर्गत किया जाना चाहिए। यही नहीं, ग्राम पंचायतों को शुरू की जाने वाली कई गतिविधियों के लिए सभी हितधारकों के साथ योजना बनाने की जरूरत होती है। ग्राम पंचायत की ओर से लिए गए सामूहिक निर्णय और मानदंडों का पालन करते हुए चारा सुरक्षा, आनुवंशिक और नस्ल सुधार, टीकाकरण और पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल की दिशा में प्रयास कर सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अरे वाह चाचा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पशुपालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार इतना सहयोग दे रही है। हाँ, ये सरकार की योजनाओं का ही नतीजा है कि आज अपने व्यवसाय को बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने के लिए किसानों के पास इतने सारे आसान रास्ते खुल गए हैं। नन्ही चाचा, आज तो आपने हमें बहुत कुछ बताया, पशुपालन से जुड़ी कई जानकारियाँ भी दी हैं। हमें तो पता ही नहीं था चाचा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का इतना बड़ा हाथ है। चलो मैं चलता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ और अपना ख्याल रखो। जी चाचा, प्रणाम। अरे नन्ही, कैसी हो? अच्छी हूँ वंदे, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। तुम्हें पता है, मेरे पिताजी ने बताया कि कृषि प्रधान हमारे देश में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन आबादी वाला देश है। अगर विश्व की कुल गायों और भैंसों की संख्या से देखा जाए तो हमारा देश सबसे पहले स्थान पर है। अच्छा, मेरे घर पर राम गोपाल काका भी आए थे, वो भी बता रहे थे कि बकरियों और भैंस पालन के मामले में हमारा देश आगे है। वहीं देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की बात की जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का जो 18% योगदान है, उसमें 1/3 से भी अधिक योगदान पशुपालन का है। हाँ, मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र में पशुपालन समिति के गठन के साथ साथ कई तरह की अन्य बातें भी बताई नन्ही। अच्छा, मुझे भी बताओ ना। हाँ रुको, बताता हूँ। पशुपालन समिति का गठन और एक वार्षिक कार्य योजना का विकास। ग्राम पंचायत को स्वयं पशुपालन गतिविधियों के दैनिक कार्यान्वयन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत के विभिन्न जिम्मेदारियों में से केवल एक है। इसके लिए ग्राम पंचायत को एक पशुपालन समिति के गठन, समिति द्वारा की गई गतिविधियों की एक कार्य योजना और समीक्षा एवं निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ग्राम पंचायत की समिति को कुछ बातों को सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे नस्ल सुधार योजना का कार्यान्वयन और पालन, दुग्ध सहकारी संघ के काम की समीक्षा, दूध में हो रही मिलावट की जांच, चरागाह भूमि पर चराई और प्रबंधन के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, पूरे वर्ष और विशेष रूप से सूखे के दौरान चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बकरों और बैल की नस्ल सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था, आपदाओं के दौरान शवों को हटाने के लिए स्वयं सेवकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, महिलाओं सहित पशुपालकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जानवरों के लिए पीने के पानी के विभिन्न स्रोतों के संदूषण की रोकथाम, आवश्यक परिश्रम उपायों का कार्यान्वयन, पशु शेड में और आम जगहों पर स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करना, पशुजन्य रोगों की पहचान और उनके रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपाय करना,
आवारा पशुओं की समस्या का समाधान उपलब्ध कराना। पशुधन से जुड़े कोई भी अन्य कार्य। वैज्ञानिक पशुपालन को प्रोत्साहित कर ग्राम पंचायत उनके क्षेत्र में परिवारों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकती है। मत्स्य पालन। जम्मू कश्मीर में मांस और डेयरी की अच्छी मांग है। यहाँ मछली पालन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में मछली पालन का उचित वातावरण है। मत्स्य पालन रोजगार का काफी अच्छा जरिया भी है। प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भी आगे आई है। यहाँ कई योजनाएं भी शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के नदी नालों और मछली पालन के जरिए 20,700 टन का उत्पादन किया जा रहा है। वहाँ पर साल के अधिकतर माह ठंड ही रहती है, ऐसे में यहाँ पर मछली की अच्छी खपत है। जम्मू में सर्द और गर्म दोनों तरह के वातावरण है, इसीलिए यहाँ पर मछली पालन का अच्छा वातावरण है। कार्क फैमिली में 6 प्रजाति की मछलियाँ, जिसमें केटला, रोहू, कामन कार्क, ग्रास कार्क, सिल्वर कार्क शामिल है, जिनको जम्मू में आसानी से पाला जा सकता है। जम्मू के ठंडे इलाकों के नदी नालों या तालाबों में ट्राउट मछली का पालन हो सकता है। ये मछली पालन के लिए सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है। ये मछलियाँ मीठे पानी में पाली जाती हैं। कश्मीर का कम तापमान इनके जिंदा रहने के लिए सबसे उपयुक्त कहा जाता है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर इस नस्ल की मछलियों का पालन किया जाता है। दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट फिश फार्म किसानों के लिए ट्राउट बीज का उत्पादन कर रहा है। जम्मू कश्मीर मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त निदेशक का कहना है कि इस फार्म से हर साल 45 लाख ट्राउट फिश के बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। यहीं से देश भर में ट्राउट मछलियों को अन्य इकाइयों तक पहुँचाया जाता है। ट्राउट मछलियों का बीज बोने की प्रक्रिया नवंबर में शुरू होती है और फरवरी तक जारी रहती है। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद हम इसे देश के अन्य राज्यों में भी निर्यात करते हैं। ट्राउट फिश के एक बीज की बिक्री तकरीबन 1200 से 1300 रुपए में होती है। ऐसे में प्रदेश में ज्यादातर मछली पालक इसका कारोबार कर लाखों रुपयों का मुनाफा कमा रहे हैं। इस समय मत्स्य पालन विभाग के पास कश्मीर में 750 ट्राउट मछली पालन इकाइयों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। कश्मीर घाटी के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्राउट मछली पालन काफी अच्छे और उच्च स्तर पर किया जाता है। यहाँ के पानी से लेकर जलवायु तक ट्राउट मछलियों के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा कश्मीर में इन मछलियों के बाजार में वृद्धि के साथ कीमतों में भी इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आय में वृद्धि करने के साथ उनके जीवन के स्तर में भी सुधार करना है। दरअसल सरकार इस स्कीम के अंतर्गत जलीय कृषि को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे जलीय क्षेत्रों में व्यवसाय को एक बड़े पैमाने तक बढ़ाया जा सके। पीएम मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देना है, मछली की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना, मत्स्य पालन करने वाले लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना, मछली पालन करने वाले क्षेत्र को अधिक विकसित करना और उन्नत बनाना, मत्स्य पालन में रोजगार के अवसरों में बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी। फिशर।
मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता। मत्स्य विकास निगम, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। जम्मू कश्मीर में मांस अंडे का उत्पादन। पशु भेड़ पालन और मत्स्य क्षेत्र के लिए 338 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके जरिए 20,000 लोगों को रोजगार देने पर काम किया जाएगा। इसके लिए समेकित भेड़ विकास योजना लागू की जाएगी। इसमें 2,000 इकाइयों की स्थापना होगी। 27,500 भेड़ों बकरियों को इसमें लाया जाएगा। 5,00,000 किलोग्राम मांस का अतिरिक्त उत्पादन होगा। प्रति पशु चमड़े का उत्पादन 18 किलोग्राम से बढ़ाकर 21 किलोग्राम और ऊन का उत्पादन 2 किलोग्राम से बढ़ाकर 2.5 किलोग्राम किया जाएगा। प्रदेश में कुक्कुट नीति 2020 और कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कुक्कुट मांस उत्पादन में इजाफा किया जाएगा। 7.8 करोड़ किलोग्राम से बढ़ाकर 8.5 करोड़ किलोग्राम तक हो जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पशुपालन और पोषण। पोषण पशुओं की उत्पादकता का एक अहम आधार है। पर्याप्त पोषण, अच्छा स्वास्थ्य, एक उचित प्रजनन चक्र और उत्पादकता सुनिश्चित करता है। ग्राम पंचायतों में पशुओं के लिए चारे की खुराक सहित पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म पोषण तत्वों को सुनिश्चित करने और चारे के प्रबंधन की योजना को शामिल किया जाना जरूरी है। चारा, कृषि अवशेष, निजी चरागाह की घास और खुली चराई पशुओं के चारे के मुख्य स्रोत होते हैं। हालांकि खराब मौसम, विशेषकर सूखे के दौरान कई बार किसानों को पशुओं के लिए चारा भी खरीदना पड़ा है, जो बहुत महंगा होता है। सूखे के दौरान नकदी के अभाव में अक्सर परिवारों के पास मवेशियों को घर से बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। चारे की उपलब्धता के लिए अच्छी योजना बनाई जानी चाहिए। साझे चरागाहों का प्रबंधन। अगर मानसून के दौरान चरागाह को 3 से 4 महीने के लिए बंद कर दिया जाए तो घास के उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन पूरी चरागाह भूमि को बंद नहीं किया जा सकता। इसीलिए चरागाहों का विकास और इस्तेमाल चरणों में किया जाना चाहिए। चारा उत्पादक कृषि फसलें। चारा फसलों की खेती या तो मुख्य फसलों के रूप में की जा सकती है या इसे फसल अवशेष के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। चारा उत्पादक कृषि फसलों की खेती भी अनाज उपजाने वाली फसलों की खेती की तरह ही आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकती है। चारा देने वाली फसलों को कम आदानों की आवश्यकता होती है और ये जोखिम और विफलताओं से कम ग्रस्त होती है। केवल अनाज की पैदावार पर विचार करने के बजाय अनाज और चारा दोनों की उपज के लिए कई प्रकार की फसलों की खेती की जा सकती है। अनाज की फसलों की वैरायटी या चयन करते समय किसान को अनाज की पैदावार के साथ साथ अपनी चारा उपज का भी आंकलन करना चाहिए। चारा कैलेंडर। खेतों की मेड़ पर चारा उपज देने वाले पेड़ों को, जैसे कि सुबुल या शहतूत आदि की प्रजातियों को लगाया जा सकता है। पेड़ों के पत्तों का हरे चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हरी कलमों के टुकड़ों की छंटाई की जानी चाहिए। इसे फूल निकलने के चरण में काटा जाना चाहिए।
अगर हरा चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो इसे खाद के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। दूध उत्पादन। पशुपालन के साथ भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यहाँ दुग्ध उत्पादन के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके लिए दुग्ध उत्पादकों को कई तरह के अनुदान भी दिए जाते हैं। डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम के तहत दुग्ध उत्पादन करने वालों को वित्तीय सहयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि जम्मू कश्मीर में दूध की पैदावार में लगातार बढ़ोतरी जारी है। 2013-14 में जम्मू कश्मीर में दूध का उत्पादन 1615,000 मीट्रिक टन था, जो कि बढ़कर 2018-19 में 2460,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। अब जम्मू कश्मीर 75 लाख लीटर दूध प्रतिदिन पैदा कर रहा है। जम्मू कश्मीर में डेयरी का प्रचलन शुरू हो गया है। इसके साथ ही नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में तेजी से बढ़ते दूध उत्पादन के कार्य को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले सालों में दूध उत्पादन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में क्रांति आने वाली है। दूध क्षेत्र में जम्मू कश्मीर का नाम अन्य दूध उत्पादन करने वाले राज्यों के साथ लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में डेयरी डेवलपमेंट स्कीम लोगों में काफी लोकप्रिय हो रही है। इसके तहत ग्रामीण युवाओं ने नई डेयरी स्थापित करने की दिशा में दिलचस्पी दिखाई है। वहीं नस्ल सुधार के कार्यक्रम में भी तेजी आई है। जम्मू कश्मीर से दूध का निर्यात दुबई के साथ साथ अन्य कई देशों में भी किया जाएगा। इसके लिए कार्गो सेवाएं ली जाएंगी। प्रशासन ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ विदेशी नस्लों के पशु लाने की कोशिशें भी शुरू कर दी है। पशुपालकों को विदेशी नस्लों के पशु मुहैया करवाए जाएंगे और दूध उत्पादन बढ़ाया जाएगा। अधिकतर जिलों में दुग्ध प्लांट लगाए जाएंगे। यहाँ पर दूध एकत्रित कर इसकी आपूर्ति की जाएगी। मौजूदा समय में पशुपालक स्थानीय स्तर पर ही दूध बेच रहे हैं। पशुपालकों ने डेयरी में गाय और भैंसे रखी है। अब विदेशी नस्ल की गाय और भैंसे भी पशुपालकों को मुहैया करवाई जाएंगी। दुधारू नस्ल के पशुओं की सहायता से प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय बाजारों में पशुपालकों को दूध 30 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचना पड़ता है। इसके बाद दुकानदार अपना मुनाफा निकालकर आगे दूध बेच रहे हैं। वहीं विदेशों में दूध बेचने पर आय में भी इजाफा होगा, यानी प्रति लीटर दूध 100 रुपए के आसपास बिकेगा। पशुपालकों की आय में इजाफा करने के उद्देश्य से भी जम्मू मिल्क ब्रांड को बढ़ावा दिया जाएगा। वंदे, तुमने तो मुझे बहुत सारी और अच्छी जानकारी दी। हाँ, मेरे पिताजी ने ही मुझे बताया था कि किसान किस तरह अपने पशुओं का पालन पोषण कर सकते हैं। अच्छा वंदे, क्या तुम जानते हो कि पशुपालन के साथ उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना भी बहुत जरूरी होता है। स्वास्थ्य की देखभाल? हाँ, पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू पशु के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। राम गोपाल काका पिताजी से बात करते हुए कह रहे थे कि पशु के स्वास्थ्य पर कम ध्यान देने से किसानों को अक्सर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। नहीं, लेकिन पशु बीमार है या नहीं बीमार है इस बारे में कैसे पता चलता होगा? रुको, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। पशुपालन और स्वास्थ्य। पशु स्वास्थ्य देखभाल पशुपालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। पशु के स्वास्थ्य पर कम ध्यान देने के कारण या जानकारी के अभाव में किसानों को अक्सर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मनुष्यों की तरह पशुओं के लिए भी समय पर टीकाकरण और डीवर्मिंग आदि स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत होती है। किसानों को चाहिए कि पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखने पर तत्काल पशु चिकित्सक की सलाह लें। संक्रामक रोग एवं आंतरिक रोग।
संक्रामक रोगों के फैलने में आंतरिक और बाहरी दोनों ही कारक जिम्मेदार है। संक्रामक रोग ही आगे चलकर पशुओं में महामारी का रूप धारण कर लेते हैं। टीकाकरण के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आज लगभग सभी प्रमुख संक्रामक रोगों के लिए टीके उपलब्ध हैं। परजीवी वर्ष भर रहने वाली समस्या है, जिसे डीवर्मिंग कृमिनाशक से नियंत्रित किया जा सकता है। पशुओं में होने वाली बीमारी उनकी कार्यक्षमता और दूध देने की क्षमता को कम कर देते हैं। जानवरों में बीमारियों की पहचान। पशु बात तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनके हाव भाव और शरीर में होने वाले परिवर्तन को देखते हुए हम उनमें होने वाली बीमारियों का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एक बीमार पशु के लक्षण क्या क्या है। स्वस्थ पशु के लक्षण। पशु देखने में चुस्त लगता है, अच्छी तरह से खाता पीता है, जुगाली करता है और हमेशा साथी जानवरों के साथ रहने की कोशिश करता है। स्वस्थ पशु का सिर उठा रहता है, कान खड़े और आगे की ओर होते हैं। त्वचा और बाल चमकदार होते हैं, त्वचा को छूने पर कंपन होती है। नाक पर पानी की बूंदें जमा होती है। चारा सामान्य रूप से खाता है। शरीर पर छूने से तापमान में कोई कमी नहीं पाई जाती है। थन और स्तन सामान्य होते हैं। पशु अपने शरीर पर मक्खियां नहीं बैठने देता। बीमार पशु के लक्षण। लगातार नीचे बैठता उठता रहता है, हवा में पैर चलाता है, अपनी पूंछ उठाता है, अपने साथी जानवरों से अलग अलग रहता है। बीमार पशु आमतौर पर लेटने के बाद उठने की कोशिश नहीं करता और सुस्त रहता है। बीमार पशु एक पैर को ऊपर उठाकर रखता है, अपनी पीठ को झुकाकर या उस पर दबाव डालकर खड़ा होता है। गोबर पतला या कड़ा या गांठ युक्त एवं प्राय दुर्गंध युक्त होता है। नाक पर पानी की बूंदे नहीं होती। चारा कम या बिल्कुल नहीं खाता। छूने पर शरीर का तापमान ज्यादा गर्म या ठंडा महसूस होता है। थन और स्तन असामान्य होते हैं। शरीर पर मक्खियां बैठने पर पशु ध्यान नहीं देता है। याक पालन व रेशम उत्पादन। जम्मू कश्मीर में याक पालन भी किया जाता है। याक पालन का कारोबार काफी फायदेमंद भी होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ दूध और मांस का कारोबार किया जा सकता है, बल्कि इस पर सवारी भी की जा सकती है और ये सामान ढोने में भी उपयोग किया जाता है। सरकार के साथ साथ लोगों को भी इससे काफी लाभ पहुंच रहा है। तो वहीं सैकड़ों वर्षों से उन्नत गुणवत्ता का रेशम जम्मू कश्मीर रियासत की शान रहा है। आज भी ये एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित लघु उद्योग है, जो कि हजारों भूमिहीन और सीमांत किसानों को आजीविका मुहैया करवा रहा है। रियासत का पर्यावरण इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बाई वोल्टाइन सिल्क पैदा करने के लिए अनुकूल प्राकृतिक माहौल दे रहा है, जिसकी बदौलत ये दुनिया में सबसे बेहतर बाई वोल्टाइन सिल्क पैदा करता है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल बाई वोल्टाइन सिल्क उत्पादन 1000 मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। इसके साथ ही इसने देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों को इस क्षेत्र में काफी पीछे छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर का बाई वोल्टाइन सिल्क अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पूरी तरह खरा उतरता है। रेशम उत्पादन से जुड़े जानकारों के मुताबिक सरकार इस सेक्टर के विकास पर अपना ध्यान बढ़ा रही है। वंदे, जानते हो भारत सरकार द्वारा जगह जगह पशु प्रजनन संस्थान एवं पशु चिकित्सालय भी खोले गए हैं, जो पशु पालकों को उत्तम नस्ल के पशु दिलवाने, बीमारियों से उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने और पशुओं के उन्नतिशील ढंग से रखरखाव की पूरी जानकारी देते हैं। सरकार ने पशु पालकों की सहायता के लिए कितनी योजनाएं और सुविधाएं बना दी है।
हाँ वंदे, पशुपालन के महत्व को देखते हुए सरकार ने किसानों के लिए कई तरह की योजनाओं के साथ सुविधाएं भी बना दी हैं। हाँ नन्ही, लेकिन पशुओं की नस्लों की पहचान किस तरह की जाती है, क्या तुम इस बारे में जानती हो? हाँ जानती हूँ ना, अच्छा, तो मुझे भी बताओ ना। रुको बताती हूँ। संकर नस्लों पर नियंत्रण। गलत प्रजनन नीति के कारण आज एक ओर शुद्ध स्वदेशी नस्लें विलुप्त होती जा रही हैं, तो वहीं औसत उत्पादकता में गिरावट आ रही है। इसीलिए हर ग्राम पंचायत को निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों पर अपनी ग्राम पंचायत के लिए प्रजनन योजना पर कार्य कर सकती है। शुद्ध नस्ल की किसी भी गाय या भैंस का अन्य देशी या विदेशी नस्ल के साथ संकर प्रजनन न करवाएं। पहाड़ी क्षेत्रों में हरे चारे की कमी और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सभी वर्णानतीत गायों के लिए जर्सी नस्ल के साथ संकर प्रजनन को अपनाया जा सकता है। किसी भी जानवर को बिना जानवर के मालिक और डॉक्टर की सलाह के प्रजनन न करवाएं। कृत्रिम गर्भाधान यानी कि AI। ग्रामीण स्थितियों के अंतर्गत पशुओं की कम उत्पादकता का मुख्य कारण कम आनुवंशिक क्षमता है। हालांकि इस परेशानी को प्रजनन के प्रबंधन पर ध्यान देकर कम किया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान इस दिशा में मददगार है। इस तकनीक को हर किसान के दरवाजे पर उपलब्ध कराया जा सकता है। डेयरी पशुओं के प्रजनन में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक के कई लाभ हैं। AI के इस्तेमाल से एक ही प्रजाति की बैल के बछड़ों की संख्या में वृद्धि करना संभव है। AI संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। AI आनुवंशिक सुधार को बढ़ाने में सहायक है। AI से विभिन्न आकार के पशुओं के संभोग की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। AI सेवा से पहले वीर्य के नमूने के चरित्र का निर्धारण करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। AI से अच्छी गुणवत्ता के बैल की व्यवस्था की कठिनाई पर काबू पाया जा सकता है। बेहतर पशु सेवाओं को बढ़ाया जा सकता है। बैल के रखरखाव पर होने वाले खर्च को नहीं उठाना पड़ता। सफल प्रजनन में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। स्वच्छ बछड़े का जन्म के समय अधिकतम वजन। सामान्य और आसान प्रसव। प्रसवोत्तर चक्र की शीघ्र बहाली। दूध उत्पादन का जल्दी बढ़ना। शून्य प्रसवोत्तर जटिलताएं और उपापचयी समस्याएं। सकारात्मक प्रसवोत्तर ऊर्जा संतुलन। प्रजनन के बाद शरीर के वजन का शीघ्र लाभ। नन्ही, पशुपालन में नस्ल की पहचान होना तो बहुत जरूरी है। हाँ वंदे, इसके लिए ही तो ग्राम पंचायत काम कर रही है। नन्ही, क्या तुम जानती हो कि सरकार ने पशुपालकों के लिए भी कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हुए हैं? अच्छा, मुझे भी बताओ ना। हाँ हाँ, रुको बताता हूँ। राष्ट्रीय पशुधन मिशन का मुख्य उद्देश्य है पशुधन पालकों और किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना और परिणाम स्वरूप पशुधन क्षेत्र का सतत और न्याय संगत विकास करना है। ये योजना पशुधन उत्पादन प्रणालियों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार तो सुनिश्चित करती ही है, बल्कि सभी किसानों और पशुपालकों की क्षमता निर्माण पर भी बराबर ध्यान देती है। सरकार जम्मू और कश्मीर में पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। साथ ही साथ किसान व पशुपालक
नई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों से भी परिचित हो रहे हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के मुख्य लक्ष्य हैं: देसी नस्लों का संरक्षण करना, उत्पादन क्षमता की सतत वृद्धि करना, भूमिहीन छोटे और पिछड़े समाज से आने वाले किसानों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना, बाजार में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के पशु उत्पाद उपलब्ध कराना, आहार और चारे की मांग पर ध्यान देना। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम: राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए उनकी खरीद, प्रसंस्करण और वितरण की क्षमता बढ़ाना है। हर क्षेत्र की तरह डेयरी के क्षेत्र पर भी कोविड-19 का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य ये सुनिश्चित करना भी है कि जम्मू और कश्मीर के दुग्ध उत्पादकों और व्यापारियों को हर स्थिति में एक स्थिर और समृद्ध बाजार मिल सके, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उन्नति के साथ साथ स्थानीय किसानों का जीवन स्तर भी बेहतर हो सके। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण: जैसा कि जाहिर है कि पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना का उद्देश्य पशु रोगों का नियंत्रण और निवारण करना है। जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाके और मुश्किल जलवायु में जानवरों की बीमार पड़ने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। क्षेत्र में पशुपालन का विकास हो सके, इसीलिए इस योजना के माध्यम से पशु रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भेड़, बकरियों, मुर्गियों व अन्य जानवरों में रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके साथ ही पशु चिकित्सा केंद्रों, औषधालयों और रोग निदान प्रयोगशालाओं को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि हमारी पशु संपदा को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। पशुधन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC। डेयरी सहकारी आंदोलन के तहत पूरे देश में करोड़ों किसान दुग्ध संघों के साथ जुड़े हुए हैं। एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत उन पशुधन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जा रहा है, जो अपने उत्पादन गुणवत्ता अथवा क्षमता निर्माण में विस्तार करना चाहते हैं। ये योजना जम्मू और कश्मीर के उन पशुधन किसानों के लिए विशेषकर मददगार साबित हुई है, जो क्षेत्र में अपने व्यापार को विस्तारित करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में लागू ये योजनाएं पशुधन उद्योग की सतत वृद्धि के साथ साथ आम लोगों को पोषण, सुरक्षा व रोजगार सुनिश्चित करने में सफल रही है, और इन्होंने क्षेत्र के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाह वंदे, ये तो तुमने बहुत ही काम की बात बताई है। हाँ नन्ही, चलो मेरे साथ कहो, देश का बढ़ रहा है मान, पशुपालन का हो रहा है सम्मान। जय हिंद, जय भारत।